नमस्कार सभी को, जयशंकर। इस समय मैं परमंडल मोड़ रत्नोचक इलाके में हूं, जहां पर कई घंटों से जाम जैसे हालात यहां पर देखने को मिल रहे हैं। मैं आगे ले चलता हूं थोड़ा सा, आप देखेंगे यहां से लेकर आगे तक जो है जाम लगा है और गाड़ी निकलने की कोई जगह नहीं। घंटों से लोगों ने यहाँ पर जाम जैसे हालात में गाड़ी जो है यहाँ पर खड़ा करके रखा हुआ है, निकलने का कोई जो है जगह ही नहीं बची। आगे देखेंगे आप, आगे तक जो आपकी नज़र जा रही है और आगे तक दिखाए, आगे तक आप जाम जैसे हालात में स्थिति देख सकते हैं, आगे तक किस तरीके से जाम के हालात हैं। अरे घंटों से जाम लगा हुआ है और गाड़ी जो है निकलने की कोई जगह ही नहीं बची, लोग फंसे हुए हैं, बच्चे जो है छोटे छोटे गाड़ियों में फंसे हुए हैं, परिवार फंसे हुए हैं, ऑटो के लोग जो है फंसे हुए हैं और दोनों तरफ के हालात ऐसे हैं। कुछ कल से ही ट्रकों का जिस तरीके से नेशनल हाईवे में रोका गया है, कई ऐसे जगह जो है नहीं बची निकलने के लिए। आगे तक देखेंगे, यहाँ भी आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँ, आगे तक देखेंगे यहाँ भी जाम जैसे हालात भी आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ तक आपको जाम जैसी स्थिति जो है देखने को मिलेगी। आगे भी देखेंगे जाम जैसे हालात आपको देखने को मिलेंगे। एक घंटा हो चुका है, दो घंटा हो चुका है, लोगों की गाड़ियाँ ऐसी अवस्था में यहाँ पर फंसी है और बड़ा ही एक मैं कहूँ चिंता का विषय है। लोगों ने अपने 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 घरों में जाना होता है, समय पर किसी जगह पर जाना होता, लेकिन जाम की स्थिति यहाँ पर घंटों से जो है बनी हुई है। यह रास्ता है रत्नोचक को जाता है, उसके बाद ये रास्ता है जो परमंडल की तरफ जाता है, परमंडल मोड़ जो चौक है यहाँ का जाता है और यहाँ पर घंटों से जो है जाम जैसे हालात में लोग फंसे हैं, गाड़ी निकलने का कोई नाम ही नहीं है। देखेंगे कुछ गाड़ियाँ जो है निकल रही है, तो प्रशासन से भी यही अपील करूँगा, ट्रैफिक विभाग यहाँ पर अच्छे ढंग से काम करे, पुलिस विभाग बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर काम करे, ताकि जो हालात यहाँ पर जाम जैसे बने हुए हैं वो निकले। खासकर लोग जो है जिन्हें सफ़र करना पड़ता है, तो घंटों घंटों जाम में फंसे हुए हैं, लोग समय पर अपने घर नहीं पहुँच पाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पर घंटे दो घंटे से जाम की स्थिति है और ये कई घंटों से ऐसी स्थिति में आपको जाम जो है देखने को मिलेगा। ये परमंडल मोड़ से रत्नोचक की तरफ रास्ता गया, यहाँ पर जाम जैसे हालात कई घंटों से यहाँ पर है, जहाँ पर जनता जाम में नहीं निकल पा रही है। उसके बाद यहाँ भी देखेंगे, आगे ले चलता हूँ थोड़ा सा मैं, ये परमंडल मोड़ चौक है, चौक के हालात भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी जाम जैसे हालात हैं और जाम की स्थिति में आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। दोनों तरफ से ट्रक लगाए गए हैं, उनके वजह से जाम भी काफ़ी ज़्यादा है, ट्रक जो है यहाँ पर नेशनल हाईवे में रोके गए हैं, उसके वजह से जाम जैसे हालात काफ़ी हैं। और ये देखेंगे ये चौक है मेन, यहाँ भी घंटों से जाम लगा हुआ है, लोगों की गाड़ी निकलने की जगह ही नहीं बची। जिस तरीके से यहाँ पर जाम जैसे हालात इस समय आप जेके चैनल पेज पर देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रशासन तक जाम के हालात पहुँचे और ट्रैफिक विभाग और पुलिस विभाग से भी ये अपील करेंगे, जिस तरीके से जाम के हालात यहाँ पर पैदा हो रहे हैं उसे निकालने का पूरा प्रबंध किया जाए। देखेंगे घंटों से गाड़ी लोगों की फंसी हुई है, लोगों ने समय पर कहीं जाना होता है, कहीं आना होता है, लेकिन जिस तरीके से जाम की स्थिति में यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, गाड़ी तो निकलना ही काफ़ी ज़्यादा कठिन है। देखेंगे जाम के हालात में किस तरीके से गाड़ियाँ जो है निकलते हुए नजर आ रही है। ये सामने देखेंगे आपको ये परमंडल की तरफ रास्ता देखने को मिलेगा, रत्नोचक को जोड़ता है और कई गांवों को जोड़ता है, तीर्थ स्थल है। इस समय अमरनाथ यात्रा चल रही है और लोग जो है परमंडल भी लोग जाते हैं अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ जो है भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। लेकिन अब परमंडल मोड़ और ये रत्नोचक वाला रोड जो है यहाँ पर घंटों से जाम की स्थिति है। मैं थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ, ये चौक है और चौक में आपको दोनों तरफ से ट्रक जो है लगा हुआ नजर आएगा, यहाँ भी ट्रक है यहाँ भी ट्रक है, क्योंकि रात को जो है कई ट्रकों नेशनल हाईवे के आदेश हैं प्रशासन का, क्योंकि दोनों तरफ से ट्रक रोके गए हैं, लेकिन ट्रक रोकने के कारण भी काफ़ी ज़्यादा जाम के हालात फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है। इस समय मैं आ चुका हूँ परमंडल चौक पे, ये परमंडल मोड़ का मुख्य चौक है, आप देखेंगे यहाँ भी जाम जैसे हालात आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर घंटों से यहाँ पर जाम लगे हैं और बड़ा ही ये दुखद है जिस तरीके से लोग जाम लग जाते हैं और लोग समय पर अपने घर जो है नहीं जा सकते। वीडियो को शेयर करें, धन्यवाद, जय शंकर।